टेक्निकल विकास टीवी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल विकास टीवी को रेड कलर के बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे कि रेलवे का टिकट हम लोग 50% ऑफ में कैसे लेंगे, सीनियर सिटीजन का टिकट 50% ऑफ में कैसे लेंगे, यानी कि 1000 का टिकट 500 रुपये में हम लोग लेंगे। सीनियर सिटीजन का टिकट हम लोग लेने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटी को भी दबा देंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करेंगे, और ख़राब अगर जलेगा कुछ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये आपको अच्छा नहीं है, ताकि हम वीडियो को सुधार कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IRCTC एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह के पेज मिलेगा, ट्रेन टिकट पर ऊपर में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब अपना पासवर्ड डाल करके 4 डिजिट का मैं लॉगिन हो गया। ये मैं लॉगिन हो गया। इसके बाद मैं अपना प्लान जहाँ से जहाँ तक जाना है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए जबलपुर से गढ़वाल तक मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अपने हिसाब से आप जहाँ से जहाँ तक आपको टिकट लेना हो वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना जर्नी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ कितने तारीख आपको जाना है। तो एक ट्रेन है जबलपुर से गढ़वा रोड तक के लिए, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, उस ट्रेन पर आपको क्लिक करना है जिस ट्रेन का आपको टिकट लेना हो। 192 सीट खाली है, इस पर मैं अब बुक नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो एट पैसेंजर पर आप क्लिक करेंगे। एट पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद पैसेंजर के आपको नाम डाल देना है। चलिए पैसेंजर का नाम कुछ भी डाल दिया हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप सीनियर सिटीजन का अगर लाभ लेना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट का टिकट अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको पुरुष का एज होना चाहिए 60 से ज़्यादा, महिला का एज होना चाहिए 58 से ज़्यादा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। तो चलिए मैं 58 साल में एज में मैं डाल दे रहा हूँ, महिला कर दे रहा हूँ, तब जाकर के ये मुझे को मिल जाएगा। देखिए ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन फॉर सीनियर सिटीजन कंसेशन, इस पर आपको ऊपर में क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर में तीन तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको ऊपर में जब क्लिक करेंगे तो आपको जो मिलना रहेगा छूट वो आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बीच में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 50% ही छूट आपको मिलेगा जो मिलना रहेगा उससे। तो आप ये नहीं समझेंगे कि मेरे को 50% डिस्काउंट यहाँ पर बीच में जब क्लिक करूँगा तो जाकर के मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो छूट मिलना रहेगा आपको डिस्काउंट 50%, उसका आधा यहाँ पे आपको बीच में जब क्लिक करेंगे तो मिलेगा। ऊपर में जब ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा छूट मिल जाएगा, और नीचे में जब क्लिक करेंगे फॉरगो फुल कंसेशन में तो आपको 1 रुपये आपको छूट नहीं मिलेगा। जो किराया 315 रुपये किराया है इस टिकट का, वही पैसा आपको पूरा देना पड़ जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके मैं आपको लाइव करके दिखा भी रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा से समझ में भी आ जाए। तो ऊपर में मैं क्लिक किया एवेल कंसेशन में, इसके बाद ओके, इसके बाद डन पे क्लिक किया। इसके बाद बुक टिकट के नीचे में सॉरी इंश्योरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यस में तो मैं यस कर दिया। यस यहाँ पे देखिए अब वही 315 रुपये का टिकट को यहाँ पे 170 रुपये मेरे को मिल रहा है। यहाँ पे पेमेंट करेंगे 170 रुपये में मेरे को पूरा फुल सीट, मतलब कि कंफर्म टिकट भी मेरे को मिल जा रहा है 170 रुपये में। तो आप देख लीजिए फिलहाल ये 5 रुपये शायद ज़्यादा ही ले रहा है, तो चलिए 170 रुपये मेरे को ये 315 रुपये का टिकट मिल जा रहा है सीनियर सिटीजन का। और मैं फिर से आपको बैक लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिए अब ऊपर में क्लिक किए थे अब फॉरगो 50% कंसेशन, जब क्लिक करेंगे आप देखिए आपको कितना आप डिस्काउंट हो रहा है। जैसे ये देखिए 315 रुपये के ऊपर में किराया आप देख रहे होंगे। इसके बाद बुक टिकट पर जब क्लिक करेंगे यस, तो यहाँ पर देखिए अब तो सब 40 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है। मैं आपको बताया था कि ऊपर में ही आपको क्लिक करना है, तभी जाकर आपको पूरा डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप ले पाएंगे। उस समय ऊपर में जब मैं क्लिक किया था तो 170 रुपये था, अब यहाँ पे 240 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है 315 की जगह पे। चलिए फिर से मैं अब बैक लिया, फिर से आपको कि अब यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ फॉरगो फुल कंसेशन में ओके, इससे डन क्लिक किया, फिर से बुक टिकट पर अब जहाँ कि 315 की जगह पे 315 ही अब मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो आपको
इस तरह से आप ज़रा सा भी मिस्टेक कर देंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रहे कि आपको ऊपर में ही आपको क्लिक करना है। ये शायद रेलवे ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं शायद अच्छा नहीं दिए हैं, ताकि बाई मिस्टेक से लोग इसको सेलेक्ट कर लें नीचे या ऊपर में, तो उनको पूरा डिस्काउंट सीनियर सिटीजन का नहीं मिल पाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ऊपर में ही आप क्लिक करेंगे एवल कंसेशन में, तभी जाके आपको पूरा डिस्काउंट मिल पाएगा। देखिए 315 रुपये का टिकट है, अब ये 170 रुपये मेरे को, मैं 170 रुपये में मेरे को ये टिकट मिल जाएगा, मैं इसको बुक कर पाऊँगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से सीनियर सिटीजन का आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे आपको मैं बता दूं कि ये जनरल कोटा में देखा था, सीनियर सिटीजन का कोटा भी एक अलग से आता है, इसमें अगर आपको मिल रहा हो तो आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं, जनरल में भी खाली है तो जनरल में भी ले सकते हैं। इस तरह से आप बहुत मतलब कि अपना पैसा को बचत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारा ईमेल या डिस्क्रिप्शन में रहता है या मोबाइल नंबर रहता है, आप उस पर कुछ सवाल सुझाव अपना भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक ले दीजिए, नमस्कार।